मोदी जी कहते हैं जहाँ भी मंच पे भाषण देते हैं कहते हैं 400 पार विपक्ष खत्म, इस बार विपक्ष का सब पाया, तो कैसे आप लोग पाइएगा बताइए। उनका तो खोखली बात है, मोदी जी कैसे जानते हैं कि हम 400 पार कर जाएंगे, ये गारंटी तो जनता को देना है ना कि 400 पार करेंगे कि 400 फेल करेंगे, ये तो जनता जवाब देगी आने वाले समय में। मोदी को मोदी जी जो बोलते हैं कि 400 पार झूठा, ये तो झूठ बोलते हैं। अरे झूठ बोलते हैं, और आप महिलाओं के बीच जाती हैं, जब महिला से मिलते हैं आप महिलाओं से, उनको कहते हैं कि इस बार जो है कहाँ पे आप क्या उसमें क्या लग रहा है, आपको भरोसा है कि आप यहाँ से जो प्रत्याशी है भाजपा और जदयू के दुलाल गोस्वामी जी हैं उम्मीदवार, क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो है तारिक अनवर जी के पक्ष में जाएगा सांसद बनेंगे, आपको क्या लग रहा है, आप थोड़ा अपना राय दीजिए। आप देखिए विधायक रह चुकी हैं, आप जो बोलेंगे आपका जो बात होगा वह हम लोग सुनेंगे, और आपका एक एक्सपीरियंस बहुत एक्सपीरियंस है आपको चुनाव को, ठीक है, आप आदमी को देख के आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये हमारे पक्ष में जाएगा वो हमारे पक्ष में जाएगा, आप क्या कहना चाहते हैं। महिलाओं के बीच में जाते हैं जब महिलाएं से बात करते हैं तो हमारी महिलाएं कहती हैं हम लोग इस बार जो चुनाव है ये देश बचाने की चुनाव है, और जब हमारा देश बचेगा, जब हमारा संविधान बचेगा, तभी महिलाओं की सम्मान बचेगी, और ये मोदी जी की सरकार में महिलाओं की सम्मान नहीं बच रही है, उन्होंने कभी कभी अपना बात में पढ़ी कैसे कहते हैं सम्मान नहीं बचा, उज्ज्वला गैस योजना दे दिए, बोले हमने माओ का जो है आंख का आंसू पोछा है उज्ज्वला गैस योजना देकर, ठीक है, घर घर हम सिलेंडर पहुंचा दिए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आपने मणिपुर की घटना को आपने देखा होगा कि मणिपुर के हमारी बहनों को किस तरह से उस जगह उनका चीरहरण किया गया, और ये इनकी सरकार रहते हुए ये आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पूरा मणिपुर जलता रहा, ये मोनी सादे हुआ रहा, इनका ऐसा लगता था इनका मुंह में दही जम गया है, महिलाओं के प्रति एक सदन में एक आवाज़ तक नहीं लगाया। और नरेंद्र मोदी जो महिला के बारे में बोलते हैं आप, ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि उज्ज्वला गैस योजना, उज्ज्वला गैस योजना महिलाओं ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी हम लोग को गैस सिलेंडर दे रहा है, तो अब हम लोग को नकली और क्या कहते हैं गोयठा से निजात मिल जाए। उन गरीब महिला आज सिलेंडर आप देखिए 1200 रुपया सिलेंडर है, और गरीब महिला के घर में अपना 1200 रुपया होगा ना सिलेंडर लाएगा ना गैस चूल्हा, तो गरीब महिला कहाँ से लाएगा। और उनका कहना जानते हैं सीधा खाते में पैसा भेजते हैं, जनधन खाता खुलवा दीजिए, ठीक है, और महिलाओं का जो है हमारे प्रति जो है रुझान है, कटिहार में भी जब मन ताजा हुआ वहाँ से सभी नेता कह रहे थे जय श्री राम जय श्री राम आपकी बात 400 पार, और एक बार भाषण दिए नीतीश कुमार, अभी बिहार के सूबे के मुखिया है वह बयान दिए, जानते हैं मोदी जी बगल में बैठे थे, कहते हैं कि इस बार जो है मोदी जी को 4000 संसद से भेजेंगे, ठीक है, आपको क्या लगता है। हम खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जानना चाहते हैं, जो समय समय पर अपना पाला बदलता रहे, पाला बदलता हो तो जनता उनसे क्या उम्मीद कर सकती है, और उनका जवान और अभी बहुत अच्छी उज्ज्वला गैस के बारे में, महिलाओं जनधन खाता के बारे में, उन्होंने खाता तो खोला लिया, ये कहा है कि खाता खोलो जो भी आपके खाते में कितना 15 लाख रुपया खाता खोल रही है 15 लाख टका जब बोल रहा पैसा भी मिला गया, तो खाता है 400 रुपया था वो 400 रुपया खाता खोलो 400 रुपये। अंतिम सवाल है मेरा, समेली में लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, ठीक है, समेली एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है, एक बार जिधर जाता है उधर सब वोट लगातार पलट जाता है, एकदम इसको देना है तो फटाफट जो है वही यहाँ से जीत जाता है, ठीक है, अभी सब उम्मीदवार आ रहे हैं आप भी आ रही हैं, आपको समेली का माहौल क्या लग रहा है इस बार पहले की तुलना में, और अब जो आप लगातार डोर टू डोर जा रही है, लोगों से मिल रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है माहौल, यहाँ का लोगों ने बताया इस बार समेली से हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी तारिक अनवर को यहाँ से ज़्यादा वोट देंगे।
ये थी हमारे साथ सुनीता देवी कोढ़ा की, पूर्व विधायक हैं और हमारे सामने में कुछ ग्रामीण भी हैं, चलिए उनसे भी राय लेना चाहते हैं। आप बताइएगा, आप खैरा के प्रतिनिधित्व है, क्या लग रहा है? मैं जानता हूँ, मैं भी समिति का हूँ, और देखिए क्या लग रहा है आपको, आप बताइएगा थोड़ा, लगातार जो है आपका क्या है? देखिए अभी जी, आप सबसे पहले कि आप आए और आपको धन्यवाद देते हैं, आप लोगों के बारे में सही बात जागरूकता को ध्यान में रखते हुए उठाते हैं। और अभी आपने जो हमारे दीदी से बात की है महिला भवन के बारे में, तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारे दीदी जी बोले कि महिलाओं के बारे में जो प्रधानमंत्री जी कहे हैं वो तो हमेशा जुमलेबाजों की सरकार रहा। मणिपुर की घटना देखिए या दिल्ली की घटना देखिए और या तो यूपी में देखिए, हमेशा घटना होती है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं रखा। ब्रिजमोहन जो है उसके संसद से उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। और क्या लग रहा है आपको यहाँ से महागठबंधन जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं तारिक कंवर, ठीक है, ये समिति को हिंदू बहुत क्षेत्र है, आपको क्या लग रहा है इस बार यहाँ से महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वह चुनाव जीत रहे हैं, क्या लग रहा है? यहाँ पे गठबंधन किस जो तारिक कंवर साहब आए हुए हैं वो भारी मतों से जीतेंगे और यहाँ पे ना तो हिंदू कार्ड चलेगा ना मुस्लिम कार्ड चलेगा, यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन से जीतेगा तारिक कंवर। देखिए अभी मैडम का एक और सवाल था, बोलते बोलते उनका कहना था आप स्थानीय मुद्दे को नहीं पूछे, चलिए मैं स्थानीय मुद्दे के बारे में भी इनसे बात करना चाहता हूँ। मैडम यहाँ की जो समस्या है समेली जो है किसानों का क्षेत्र कहलाता है, क्रांतिकारी की धरती भी रही है, यहाँ का हर एक मुद्दा हर एक युवा जो है उसकी आवाज़ में दम है, इसलिए मेरा भी आवाज़ में थोड़ा दम है, तो हम कहना चाहते हैं समेली में जल जमाव लगता है, ठीक है, एक समस्या हो गया। दूसरा समस्या है समेली हॉल पे आज तक कोई ट्रेन खराब नहीं हुई, समेली के सांसद विधायक यहाँ से वोट ले लेते हैं, जब चुनाव का समय आएगा तो बड़का लंबा झंडा जो है दिखा देंगे कि हाँ हम ये काम जो है आपको दिखा दिए हैं, मतलब एक लॉलीपॉप देने का काम, उसके बाद अगर आपको जिताइएगा तो हम फिर ठहरा, मतलब जनता से फिर झूठा वादा करके ठकने का काम, ठीक है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ सामाजिक मुद्दे पर क्या है आपकी राय? देखिए जनता अपनी विश्वास देकर किसी को MP और MLA बनाते हैं और जो मैं अभी देख रही हूँ, मैं लगातार चमेली का भ्रमण कर रही हूँ, तो लोगों का जो एक आवाज़ है बहुत बड़ी सवाल है, जल जमाव और क्या ट्रेन का ठहराव, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। लेकिन जो स्थानीय MP हैं अभी के समय में वर्तमान के समय में जो यहाँ के लोगों का वोट लेकर जीत कर यहाँ से गया और फिर यहाँ के मुद्दे को उठानी चाहिए उनको लोकसभा के अंदर, उन्होंने कभी नहीं किया, चाहे जल जमाव की समस्या हो, चाहे रेल ठहराव की समस्या हो, या गंगा कटाव की बाधा हो, चाहे यहाँ के जो मुद्दे हैं जो दलित मुद्दे हैं, आपके पास भी महिलाएं मुद्दे रखेंगे आप उसको भी जीते? हमारी महिलाएं का मेन मुद्दा ये है कि हमारे बच्चे जो आज विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किताब है कॉपी आज लेने जाते हैं, आज GST की मार सहनी पड़ती है, और एक समय था जो कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हम लोग बच्चा सही ढंग से पढ़ना था, इसीलिए हम लोग दिमाग प्रबंधन से तारीख साहब का उम्मीदवार है, तारीख साहब उम्मीदवार है, इस बार हम लोग महिला अपना बच्चे के भविष्य के लिए। अच्छा मैडम एक बात है, आपकी कांग्रेस की सरकार है, थोड़ा सरकारी कर्मचारी जब सवाल करते हैं, ठीक है, वो नौकरी करते हैं उसको पेंशन नहीं मिलता है, ठीक है, और आपकी सरकार बोली थी अगर हमारी सरकार बनी है तो पेंशन जो है हर एक कर्मचारी को मिलेगा, ठीक है, कोई पत्रकार तो करते नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ सरकारी कर्मचारी के बारे में, आप कोई विधायक हैं, आप बड़े बड़े नेता हैं और आप इस मुद्दे को थोड़ा हाईलाइटेड कीजिए और उठाइए, सरकारी कर्मचारी का जो पैसा IPS में जा रहा है बड़ा दुख की बात है, वो साल साल नौकरी करते हैं लेकिन उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता। कांग्रेस तो कहीं है हमारी सरकार जब बने की निश्चित रूप से जो कर्मचारी का है पेंशन बने रहेगा हमारे वीडियो में, अगर इस वीडियो के अंत में कुछ गलत बोलेंगे तो क्षमा चाहते हैं, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जय हिंद।